इस पॉपुलर टीवी एक्ट्रेसेस ने फाइनली एक बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट का पोल खोल किया है। अभी तक तो भाई ये गेसिंग वाला जोन ही चल रहा था और इन्होंने तो जिस तरीके की चीजें कर दी उसके बाद तो लगभग लगभग एक मोहर ही लगा दी इन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। बिग बॉस 18 का जो परवान इस समय चढ़ रहा है बिना शो लॉन्च के, अब आप ये कहिए भाई अभी तक तो शो लॉन्च भी नहीं हुआ, आप कह सकते हैं मेकर्स का कॉन्फिडेंस या फिर भाई ये भरोसा कि शो इस बार तो हिट हो ही जाएगा आराम से। ऑल दो सलमान खान वापस आ रहे हैं, सलमान खान को देखने की काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लोगों में बढ़ती जा रही है। कल कुछ कंटेस्टेंट्स के प्रोमो बाहर आते हैं जिसमें से शहजादा धामी कह लो या चाहत पांडे कह लो या फिर एक नाम जो भी मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने जिसके बारे में गेस तो लोगों ने कर ही लिया था, 90s की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस और नम्रता शिरोडकर की बहन, मैं बात कर रहा हूँ शिल्पा शिरोडकर जी की। और जब ये प्रोमो डाला जाता है तो टीवी की एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस, मतलब भाई इनको जनता ने ना सिर्फ प्यार किया बल्कि सलाखों पर भी बिठाया है। और जब इनका शो चल रहा था उस समय तो भाई नेक्स्ट लेवल प्यार इनको मिला और अब भी जो उनके फैंस हैं वो इनको बहुत प्यार देते भी हैं। नाम है इनका अनीता हसनंदानी और इन्होंने ही ये गेस किया है और यही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हो प्रोमो होता है शिल्पा शिरोडकर का जिसमें अनीता कमेंट करती हैं और कहती हैं, अनीता लिखती हैं शिल्पा शिरोडकर ये आई एम ऑलरेडी ग्लूड टू द टीवी किल इट। यहाँ पर अनीता कहना चाह रही हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं चिपक गई हूँ टीवी के साथ, किल कर दो शो में जाके एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है वो शिल्पा शिरोडकर को देखने के लिए। और ऑल दो काफ़ी समय बाद शिल्पा शिरोडकर अगर देखा जाए तो वापसी कर रही हैं लेकिन रियलिटी शो में वापसी कर रही हैं, ये देखने में मज़ा आएगा। और देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या ये भी कहीं साजिद खान और उसके साथ साथ रणवीर शौर्य पूजा भट्ट इन्हीं लोगों की तरह अपना गेम दिखाती हैं या फिर कुछ एडवांस बिग बॉस के घर में हमको इनकी तरफ से देखने को मिलता है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।